एक नदी के किनारे दो पेड़ थे उस रास्ते एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में अपना घोंसला बनाकर शरण ले सकते हैं लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा दूसरा पेड़ मान गया चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी बारिश का मौसम आया और एक दिन इतनी जोर की बारिश हुई कि नदी के पानी का स्तर और तीव्रता बहुत बढ़ गई इसी दौरान पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया जब उस चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा जब मैं तुमसे अपने और अपने बच्चों के शरण के लिए आई तब तुमने मना कर दिया था तो अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया मैं जानता था कि मेरी जड़ें काफी कमजोर हैं और इस वर्ष की बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारी और बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो और ये कहते कहते पेड़ बह गया किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझिए क्या पता उनके उसी इनकार से आपका भला हो कौन किस परिस्थिति में है हम शायद उसे ना समझ पाए इसलिए किसी के चरित्र और उनकी शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तोलें। प्रभु भी यही कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे की सोच और विचार को नहीं समझ सकता स्वयं प्रभु ही है जो मनुष्य को उसके हृदय से जांचता है न कि उसके रूप से तो आइए दूसरों के बारे में ऊंच नीच से ना सोचकर सबको प्रेम और भाईचारे की नजर से देखने का प्रयास करते हैं